नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों के पैदल मार्च का अमेरिकी सांसद ब्रेंड सरमन ने किया समर्थन। इस दौरान सिंधी महिलाओं की दुर्दशा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कोरोना के कई नए मामले आए सामने। लागू किया गया 3 दिन का सख्त लॉकडाउन। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोची में बीपीसीएल की 6,000 करोड़ रुपए की परियोजना को राष्ट्र को किया समर्पित। साथ ही कोची पोर्ट पर रखी 25 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। देश भर के टोल प्लाजा पर आज से सिर्फ फास्टैग से ही किया जा सकेगा टोल टैक्स का भुगतान। फास्टैग के बिना वाहन चालकों को भरना होगा 2 गुना टोल टैक्स। अलीगढ़ में बचे हुए कर्मचारियों को आज दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। इसके लिए आज 4 केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे टीकाकरण सत्र। नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में आज से होगा बड़ा बदलाव। 15 फरवरी से 31 मार्च तक तेजस एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज करेंगी बिजनौर और मेरठ का दौरा। इस दौरान किसान पंचायत में भी शामिल होकर किसान परिवारों से करेगी मुलाकात। ओडिशा में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का विरोध करेगी कांग्रेस। आज कर रही है राज्यव्यापी बंद का आह्वान। आज से खुल जाएंगे यूपी के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान। संस्थानों को खोलने से पहले सैनिटाइज कराने के साथ ही फॉलो करनी होगी कोरोना गाइडलाइंस। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा वैभव रेखी के संग लेगी 7 फेरे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही हुआ था दिया मिर्जा का तलाक। छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल आज से फिर खुलेंगे। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले। आज से मुंबई के कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हो सकेंगी कक्षाएं। दिव्यांग छात्रों को एटीकेटी से मिलेगा 11वीं में प्रवेश। आज पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम बिगड़ने की है संभावना। कई राज्यों में बारिश का भी जताया गया है अनुमान। दिल्ली के मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा को बजरंग दल ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस भी रहे मौजूद। रविवार को 6ठे दिन लगातार पेट्रोल डीजल के भाव में हुई तेजी। देश के लगभग सभी शहरों में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1,09,00,000 से ज्यादा हो गए। वहीं 97% से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। चेन्नई दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर से देखा चेन्नई टेस्ट मैच। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया स्टेडियम की तस्वीर। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बनाया एक खास रिकॉर्ड। टेस्ट मैचों में 200वीं बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को किया आउट। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान ने बॉयफ्रेंड नुपुर सिखारे के साथ मनाया वैलेंटाइन। इंस्टाग्राम पर शेयर की खास तोहफे की तस्वीर। सरकार ने ओटीटी कंटेंट को सेंसर करने के लिए बनाई गाइडलाइन। एक्टर पंकज त्रिपाठी, रीचा चड्डा, हंसल मेहता समेत कई एक्टर्स ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश के छतरपुर लवकुश नगर से हेमंत श्रीवास की रिपोर्ट। रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने हेतु मुख्य मार्केट पर तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। बजरंग दल ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के रामपुर से सानू खान की रिपोर्ट। हाफिज शाह जमाल साहब की दरगाह के सज्जादा नसीन आज दरगाह परिसर स्थित आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके रिएक्शन से निपटने के लिए चारों तरफ पुलिस की टीम की गई तैनात। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। यूपी में शुरू की गई व्यूमन पावर लाइन योजना। इसके तहत आपत्तिजनक चीजें सर्च करने वालों पर रखी जाएगी नजर। यूपी के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जिले में पुलवामा मामले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में निकाली गई 521 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। गोरहरी के पीएससी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज सक्सेना द्वारा फीता काटकर किया गया मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं स्वच्छता अभियान। बिहार के शेखपुरा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले में भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, सड़क से लेकर सदन तक होगा महागठबंधन का आंदोलन। यूपी के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपाइयों ने सरकार के खिलाफ किया महिला घेरा आंदोलन। शहर में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने महिला शक्ति को जगाने के लिए सड़कों पर किया प्रदर्शन। यूपी के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ नगर पालिका ने कलमकारों के सम्मान में पत्रकार चौराहे की घोषणा कर बोर्ड बैठक में पास किया प्रस्ताव। पत्रकारों के हित में दिए गए पहले बड़े उचित कदम से जिले के सभी कलमकार में है खुशी की लहर। दिल्ली के बिंदापुर डीडीए कम्युनिटी सेंटर में बारात घर का विरोध करने के लिए आज किया गया एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन का आयोजन पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी प्रदीप टंडन के अध्यक्षता में की गई। लोगों ने मांग किया है कि कम्युनिटी सेंटर में लाइब्रेरी खोला जाए, ना कि बारात घर का आयोजन हो, क्योंकि बारात के लिए किराए पर देने से आसपास के रेजिडेंशियल को रात भर नींद नहीं आती है। इससे परेशान होकर इन लोगों ने यहां धरना प्रदर्शन कर डीडीए के खिलाफ किया नारेबाजी। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।